तो देवभूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका। खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। आज की सबसे बड़ी खबर का सबसे पहले रुख करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। चंपावत से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव हाईकमान के सामने रखूंगा, ऐसा कहना है पुष्कर सिंह धामी का। साथ ही उन्होंने कहा कि चंपावत से लड़ने का अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान का होगा। चंपावत से चुनाव लड़ने का मौका मिला तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और साथ ही आपको बता दें कि विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सीएम को चंपावत से लड़ने का न्योता भी दिया है, यानी कि सीएम के लिए वो अपनी कुर्सी भी छोड़ देंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं उत्तराखंड से। सबकी बड़ी जानकारी, पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। साथ ही कहा कि अगर हाईकमान फैसला लेगा तभी वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो इच्छा जरूर जता दी है लेकिन फैसला हाईकमान के ऊपर पुष्कर सिंह धामी ने छोड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि 6 महीने का समय और इन 6 महीने के अंदर किसी भी एक विधानसभा सीट से पुष्कर सिंह धामी को जीत दर्ज करनी है, उसके बाद में वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए उत्तराखंड के अंदर, तो इस दौरान खटीमा से उन्होंने अपना चुनाव लड़ा था लेकिन वहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री बनाए। बीजेपी का कहना था कि वो एक युवा चेहरे हैं और उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया और एक बड़ी जीत दर्ज की उत्तराखंड के अंदर। तो ऐसे में एक बार फिर से मौका पुष्कर सिंह धामी को दिया गया और अब 6 महीने का वक्त जब किसी भी एक विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे जिसके बाद वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो 6 महीने का वक्त है और इन 6 महीने के दौरान अगर देखा जाए तो पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। हालांकि इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चंपावत से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव हाईकमान के सामने रखूंगा। चंपावत से लड़ने का अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान ही करेगा और चंपावत में चुनाव लड़ने का मौका मिला तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, ऐसा कहना है पुष्कर सिंह धामी का। तो आपको बता दें कि चंपावत सीट को लेकर के अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब चंपावत से चुनाव लड़ते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आए। हालांकि अगर इस सीट की अगर बात करें तो विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट छोड़ने के लिए भी सीधे तौर पर कह दिया है, वो अपनी सीट छोड़ देंगे और अगर सीट छोड़ने के बाद अगर पार्टी हाईकमान फैसला करता है तो पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, अगर देखा जाए तो पुष्कर सिंह धामी 6 महीने का वक्त है उनके पास में और इस 6 महीने के अंदर किसी भी एक जगह से उन्हें चुनाव लड़ करके जीत दर्ज करनी होगी। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत विधानसभा सीट सबसे अनुकूल है। हम पहले से इस बात पर अपनी खबर में प्रमुखता से कहते आ रहे हैं कि चंपावत उनके लिए इसलिए अनुकूल है क्योंकि खटीमा से ठीक सटी हुई चंपावत सीट है। बिल्कुल, खटीमा से वो चुनाव हारे हैं और सिंपथी वेव उनके साथ है। चंपावत की यदि बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ वही वोटरों का फैक्टर है, टनकपुर बनबसा और आसपास का क्षेत्र जहां मुख्यमंत्री आज निरीक्षण कर रहे हैं, तटबंध ठीक करने के निर्देश दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कल वो सभा कर चुके हैं, यानी ये मुख्यमंत्री की बिगनिंग हो चुकी है और वो चंपावत से इसलिए भी लड़ना चाहते हैं चुनाव। देखिए पब्लिक को भी इस बात का इल्म है कि वो मुख्यमंत्री हैं, 5 साल का उन पर समय है, 5 साल की सरकार है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद का चेहरा है तो उनके क्षेत्र से जीत कर आता है तो क्षेत्र का विकास होगा, पहली बात। दूसरी बात, पार्टी का संगठन पूरी तरह मुख्यमंत्री धामी के साथ खड़ा है क्योंकि धामी को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से ही सीधे ग्रीन सिग्नल है, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। इन सबके पीछे एक महत्वपूर्ण फैक्ट और बताना चाहूंगा, अप्रैल में ही कुमाऊं की राज्यसभा सीट भी रिक्त हो रही है तो जानकार ये भी मानते हैं कि यदि चंपावत से कोई छोड़ता है तो हो सकता है उसको राज्यसभा गिफ्ट के तौर पर मिल जाए। बिल्कुल, हो सकता है कैलाश गहतोड़ी चमक जाए और उनको राज्यसभा जाने का मौका मिल जाए, वो भी 6 साल के लिए होता राज्यसभा। अभी तक ये चर्चाएं थी कि बिशन सिंह चुफाल जो डीडी हाट से मंत्री नहीं बने हैं उनको डीडी हाट खाली कराकर धामी को चुनाव लड़वाकर 6 बार के विधायक मंत्री प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बिशन सिंह चुफाल, तो हो सकता है उनको राज्यसभा भेजा जाए। पर अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चंपावत से गहतोड़ी के लिए एक बेहतर मौका हो सकता है कि उनको राज्यसभा का मौका मिले। हालांकि राज्यसभा कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का है वो निर्णय लेता है जी। पर अभी जो मौजूदा कंडीशन है मुख्यमंत्री धामी के सामने वो बहुत फेवरेबल है, बहुत कंफर्ट जोन में वो चुनाव लड़ेंगे और बहुत आसानी से एक तरफा विजय श्री हासिल करते हुए चंपावत का किला वो फतह करेंगे। और सूत्र भी ये बता रहे हैं कि चंपावत पर उनका बोलना, यदि वो अपना प्रस्ताव भारत सरकार यानी संगठन को भेजते हैं तो उस पर सीधा अप्रूवल आ जाएगा, इसमें कोई बहुत इफ एंड बट नहीं होगा।
जी सुदीप, अगर देखा जाए तो जब खटीमा से चुनाव हारने के बाद में पुष्कर सिंह धामी को दोबारा जब मुख्यमंत्री बनाया तो खटीमा के अंदर कुछ इस तरीके की भी खबरें आई थी कि वहां की जनता माफी मांग रही है कि हमसे गलती हो गई, हमने उनको नहीं चुना, इस तरीके की भी खबरें सामने आई थी इस दौरान। जी ये बात बिल्कुल सही है, हम यदि सोशल मीडिया का ट्रेंड देखें तो लोग इस तरीके के पोस्ट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हरा दिया, सरकार आ गई, कांग्रेस के विधायक जरूर जीते पर वो विपक्ष में चले गए, ऐसे में डेवलपमेंट के काम कैसे होंगे। मुख्यमंत्री यदि खटीमा का होता तो विशेष लगाव होता है, बड़ी योजनाएं आती हैं, लोगों का एक मनोबल हाई रहता है कि जाके मुख्यमंत्री से मिल रहा है, मुख्यमंत्री हमारे घर का है, मुख्यमंत्री हमारा अपना है, तो एक लगाव हो जाता है। छोटी विधानसभा भी, और जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी का सौम्य सहज सरल व्यवहार है इससे भी वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये चिंता जरूर दिखी कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि वो खटीमा हार गए और हम लोगों ने गलती क्यों कर दी कि जो वोट गलत दिशा में डाइवर्ट हो गया। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि जो बीएल संतोष संगठन की समीक्षा करने आ रहे हैं, खटीमा से जो रिपोर्ट तैयार हुई है वो सीधे तौर पर बताती है कि धामी के साथ भीतर घात हुआ है, उनको चुनाव हरवाया गया है, इसमें कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की भूमिका संदिग्ध है, तो कार्यकर्ताओं को भी सही तरीके से टैकल न करना भारी पड़ा, वरना इतने बड़े अंतर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हारने की कोई वजह थी नहीं, जबकि प्रचंड वेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 47 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। जी चलिए सुदीप, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारियां हम लेते रहेंगे। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो पुष्कर सिंह धामी को चंपावत सीट से उपचुनाव वो लड़ सकते हैं, लेकिन चंपावत सीट उनके लिए मुफीद क्यों है वो आपको बता दें, जाति और क्षेत्रीय लिहाज से ये सीट काफी अनुकूल है, पूर्व फौजियों की बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। इसके अलावा ये सीट लगातार दो बार बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है, तो अगर देखा जाए तो एक सेफ सीट इसे कहा जा सकता है। विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सबसे पहले सीट छोड़ने की पेशकश की थी और सीएम धामी की पुराने विधानसभा यानी खटीमा से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर यह सीट है, तो ऐसे में काफी फायदेमंद यह सीट साबित हो सकती है पुष्कर सिंह धामी के लिए। मैदान पहाड़ वाली इस सीट पर 51% मतदाता सिर्फ टनकपुर और बनबसा में है, तो सीधे तौर पर काफी फायदा इस सीट से मिल सकता है और आने वाले समय में हो सकता है कि चंपावत सीट से ही पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़े। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। दरअसल स्वच्छता के सिपाहियों को सीएम ने हिंदू नवसंवत्सर का तोहफा दिया है, 6000 पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है, तो बड़ी जानकारी आपको देने। साथ ही सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर शासनादेश जारी किया गया है। पुष्कर सिंह धामी ने अपनी दूसरी पारी में भी जोरदार बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, कर्मचारियों और आम जनता के हित में एक के बाद एक कई फैसले ले रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। शुक्रवार को सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर शासनादेश जारी किया है। मुख्यमंत्री धामी ने शहरी विकास विभाग के अंतर्गत तैनात पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन कर दिया। मानदेय बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी भी दे दी और इसका लाभ प्रदेश के लगभग 6000 पर्यावरण मित्रों को मिलेगा। सरकार के इस फैसले से स्वच्छता के सिपाहियों को हिंदू नवसंवत्सर का तोहफा मिला है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, एक के बाद एक कई फैसले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेते हुए नजर आ रहे हैं जनता के हितों में। देखिए, ये चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री ने कमिट किया था कि हम अभी जीत के आए और दोबारा मौका मिला आपकी सेवा करने का, तो स्वच्छता मित्र जिनको पर्यावरण मित्र भी कहते हैं, सामान्य भाषा में सफाई कर भी कहते हैं, जो नगर पालिका नगर निगम में काम करते हैं, बेहद विपरीत परिस्थितियां हैं, कूड़े में, गंदगी में, नाले में और इस तरीके के हालात में काम करते हैं कि जो बड़ा अमानवीय भी है, तो मुख्यमंत्री ने कहा था इनके जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए इनको 500 रुपए प्रतिमा का, जो अभी तक का जो 325 रुपए के आसपास है, इसको 500 रुपए किया जाएगा। इसका कल मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिया और इसका शासनादेश भी जारी हो चुका है, तो इससे निश्चित तौर पे जो सफाई कर्मी है उन्होंने राहत की सांस ली है और मुख्यमंत्री ने भी अपना एक वायदा पूरा किया है जो एक आम आदमी के साथ उन्होंने किया था। कल टनकपुर वो चंपावत के जब दौरे पर अपने थे तो वहीं से उन्होंने मंच से ऐलान किया और इसके बाद आदेश भी जारी हुआ, करीब 6000 कर्मियों को फायदा मिलेगा। यूं तो सरकार के राजस्व पर नुकसान है इससे, उसको लॉस है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ने नफा नुकसान को किनारे रखते हुए मानवीय आधार को प्राथमिकता देते हुए और सफाई कर्मियों के जनजीवन लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए निर्णय लिया है और इसका हर ओर स्वागत भी किया जा रहा है। जी,
अगर एक तरह से देखा जाए तो जो छह से सात महीने का जो वक्त पुष्कर सिंह धामी को पिछली पारी में मिला था उसमें भी अच्छी बैटिंग की उन्होंने, और अब जब दोबारा उन्हें मौका दिया गया तो उसमें भी अच्छी बैटिंग, शुरुआती अच्छी बैटिंग करते हुए पुष्कर सिंह धामी देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर निधि उनियाल का यदि हम प्रकरण देखे जो बड़ा संवेदनशील प्रकरण बिल्कुल, था, बिल्कुल किस तरह हनकदार आईएएस पंकज पांडे की पत्नी ने उनके साथ अभद्रता की, फिर अपने पति सचिव को बुलाकर उनका ट्रांसफर करा दिया, मुख्यमंत्री ने न्यूज वन इंडिया की खबर का संज्ञान लिया और तत्काल इस गलत फैसले को निरस्त करते हुए मामले में हाई पावर कमेटी गठित कर दी जो फैक्ट फाइंडिंग करेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनीषा पवार को जांच टीम का हेड बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने जांच रिपोर्ट तलब कर ली है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के ट्रेंड को भी देखा है और बेहद नाराजगी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री हर उस फैसले से, हर उस छोटी बड़ी बात से अवगत हो रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं जो आम जनमानस से, लोगों की जनभावनाओं से, लोगों की आवश्यकताओं से जुड़ी है। तो ये बताता है कि वो पहले दिन से कितना गंभीर है, जो जिम्मेदारी उनको पार्टी ने दी है। इसी के रूप में हम ये अलग अलग परिणाम देख रहे हैं, चाहे पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाना हो, चाहे डॉक्टर निधि उनियाल का प्रकरण हो, ये दोनों ही प्रकरण सीधे तौर पर इसी ओर इशारा करते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय चंपावत दौरे पर हैं और सीएम ने नवरात्रि के पहले दिन बनबसा में माता पूर्णागिरी धाम के दर्शन किए और इस दौरान उनकी पत्नी गीता धामी भी वहां पर मौजूद रही और पूजा अर्चना कर मां भगवती का आशीर्वाद दिया। सीएम ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी और कहा है कि शरणागतों का कल्याण करने वाली माँ दुर्गा सभी के जीवन में सुख शांति और सौभाग्य लाए। माता पूर्णागिरी का जो धाम है हमारा, पूरे उत्तर भारत का आस्था और धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है। क्योंकि बचपन से मेरी आस्था रही है, आज मैं माता के दर्शन, मैया के दर्शन करने आया हूँ। साथ ही साथ आज हमारा 9 वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है, तो इस 9 वर्ष की शुरुआत मैया के दर्शन से। और चूँकि यहाँ की, यहाँ पर बहुत बड़ा श्रद्धालुओं का एक सैलाब उमड़ता है पूरे उत्तर भारत से, भारत के अनेकों स्थानों से, तो यहाँ की इन व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। इसमें और क्या अच्छा हो सकता है, निकट भविष्य में ये मेला हमारा, चूँकि बहुत ही पौराणिक मेला है, बहुत ही धार्मिक महत्व का मेला है और बहुत प्रसिद्ध मेला है, पूरे उत्तर भारत के लाखों लोग इस मेले में प्रतिभाग करते हैं। इस मेले में अच्छी सुविधाएँ हों, अच्छी व्यवस्थाएँ हों, अच्छी अवस्थापना सुविधाएँ हों, उन सभी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम इसमें काम करेंगे। मैं पुनः आज सभी को नवरात्र की भी और 9 वर्ष की भी सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा भारतीय, और इसी बीच बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में अब मकान बनाना महंगा हो गया है। दरअसल राज्य भर में ईंटों की कीमतें बढ़ेंगी, अब 5% की जगह पर 12% GST देना होगा। ईंट निर्माता फर्मों और ट्रेडर्स को 12% GST देना होगा और राज्य भर में 1 अप्रैल से ये नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। राज्य कर विभाग की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई है। तो अब राज्य में ईंट मकान बनाना कहीं ना कहीं महंगा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब 5% की जगह पर 12% GST ईंट निर्माता फर्मों और ट्रेडर्स को देना होगा, जिससे कि ईंट की कीमतों में भी उछाल आएगा और मकान बनाना महंगा होगा उत्तराखंड के अंदर। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और पूरे राज्य में 1 अप्रैल से ये नई व्यवस्था लागू हुई है। राज्य कर विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्र की पूजा हो रही है और हरिद्वार में माता के प्रसिद्ध मंदिर माँ मनसा देवी, चंडी देवी और माया देवी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ साथ अखंड ज्योत भी जलाई गई है। श्रद्धालुओं का कहना है कि कोरोना काल के बाद इस बार नवरात्रि में माँ की पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जय माता दी।
माता मंदिर एक ऐसा मंदिर है यहाँ बहुत शक्तिपीठ मंदिर है जो दूर दूर से लोग श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। सबकी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है माता मंदिर। कोरोना काल में सब ऐसे लोग अपने घरों में रहे, लॉकडाउन रहा, लेकिन अब माता की ऐसी कृपा रही, लोग अपने घर से निकल निकल के माता रानी के दरबार में दर्शन करने आ रहे हैं। मैं ही माता रानी से प्रार्थना करता हूँ सब अपने घर में खुशी से रहें, सुख शांति रहें। माता मंदिर एक ऐसा मंदिर है यहाँ बहुत शक्तिपीठ। वहीं चैत्र नवरात्र के पावन पर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है और तीर्थनगरी ऋषिकेश में चैत्र नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्र की पूजा आराधना की गई। श्रद्धालुओं ने गंगा घाट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के बाद दान पुण्य भी किया। बता दें कि नवरात्र के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा का विधान है और भक्त नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपवास भी रखते हैं। मान्यता है कि नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। तो आपको बता दें कि आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ भी मंदिरों में उमड़ी है। ये तस्वीरें ऋषिकेश की आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर भक्तों ने पहले माँ गंगा में डुबकी लगाई, उसके बाद में माँ के दर्शन करते हुए भक्त नजर आए, दान पुण्य वहाँ पर किया है। कहते हैं कि 9 दिनों में जो भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी माता रानी करती हुई है। माता दी हैप्पी नवरात्र। आज से नवरात्र शुरू हो गए वैशाख नवरात्र और इसमें पहले दिन में जो है माता की जो है स्थापना शुरू होती है, कलश रखा जाता है, नारियल रखा जाता है उस पर और पूजा की जाती है। पहले दिन 9 दिन तक के व्रत रखे जाते हैं माँ दुर्गा के और पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से कोई अखंड जोत जलाता है, कोई सुबह शाम जोत जलाता है, तो इसकी पूजा जो है अर्चना सबको करनी चाहिए, चाहे वो ग्वारी लड़की हो, चौथ सुहाग बनती हो, कोई भी हो। माता की कृपा हर किसी पर बराबर पड़ती है, माता सबकी सुनती है, सब पर कृपा करती है और ये नए साल से नए नवरात्र शुरू हुए हैं, सब पे कृपा बनी रहे। जय माता दी। वहीं काशीपुर में ऐतिहासिक चैती मेले का शुभारंभ हो गया है। उधम सिंह नगर के डीएम युगल किशोर पंत और एसएसपी डॉक्टर शंभुनाथ टीसी ने ध्वजारोहण करके मेले का शुभारंभ किया है और इस मौके पर बीजेपी विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा समेत पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा भी शामिल रहे। साथ ही पुलिस की भी तैनाती रही। वहीं डीएम युगल किशोर पंत ने कहा कि कोरोना के चलते 2 साल बाद मेले का आयोजन किया गया है। साल बाद मेला हो रहा है, पहले तो आपको नव वर्ष की बधाइयाँ, नव संवत्सर की और हिंदू न्यू ईयर की, युगादि की बधाइयाँ। और अभी पर्याप्त मात्रा में हमने फोर्स का तैनाती किया है, एक एडिशनल एसपी है, 2 CO, काफ़ी भारी मात्रा में इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, PAC और पुलिस बल को है, सादे में भी हमने तैनात। वहीं दिल्ली में चंदन रामदास ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री हैं चंदन रामदास। चारधाम यात्रा में इस बार CNG और ई बसें होंगी संचालित, ऐसा कहना है चंदन रामदास का। साथ ही तीर्थ यात्रियों को मिलेगा सस्ती और सुरक्षित यात्रा का लाभ, 100 दिन का तय किया है, ये पूरा लक्ष्य है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चंदन रामदास से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सरकार में मंत्री चंदन दास राम जी हैं। सर, उत्तराखंड सरकार में परिवहन को लेकर आपको जिम्मेवारी दी गई है, परिवहन मंत्रालय आप संभाल रहे हैं, कितनी चुनौतियां इस बार देखें? चुनौती को मैंने स्वीकार किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मेरे साथ परिवहन के साथ साथ समाज कल्याण भी एक बहुत बड़ा विभाग है, अल्पसंख्यक कल्याण है, छात्र कल्याण है और मेरे पास लघु और मध्यम उद्योग, खादी ग्राम उद्योग भी है। मैंने अभी अपने परिवहन विभाग की समीक्षा की, उसमें 2 सेक्टर हैं, एक तो परिवहन विभाग है, एक परिवहन निगम है और परिवहन निगम की स्थिति बहुत ख़राब है। कर्मचारियों को वेतन तक देने का वहाँ लाले पड़ रहे हैं, लगभग 250 करोड़ के घाटे से अभी उभर कर हम 100 करोड़ के घाटे में आए हैं और मेरा प्रयास है कि मैंने निर्देशित किया है कि पहाड़ में CNG की बसें शुरू करें, इलेक्ट्रिक बसें शुरू करें
और उसके लिए जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की चार्जिंग की जो यूनिटें हैं वो लगाने से अभी जो चारधाम यात्रा हमारी होगी उस चारधाम यात्रा में अगर हम रोडवेज की बसों को लगाएंगे तो रोडवेज की इनकम बढ़ेगी, रोडवेज की इनकम बढ़ेगी तो घाटे को पाटने का काम हम करेंगे। मैं माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करूंगा और अपने मुख्यमंत्री धामी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने 105 करोड़ रुपया अभी अभी रोडवेज को दिया है, उससे घाटा भी कम होगा और जो हमारा तनख्वाह देने का जो दिक्कत हो रही थी उस बैकलॉग को भी हम समाप्त कर रहे हैं। मैंने निर्देशित किया है, मैं 100 दिन का मैंने रोड मैप दिया है अपने विभागीय अधिकारियों को कि 100 दिन के अंदर कम से कम जो 100 करोड़ का हमारा घाटा है उसको ठीक करके, अभी मृत आश्रित के कई मामले हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको उनका देयक है, बहुत से देयक है, वहाँ चुनौती बहुत है, मगर मैं अपने कर्मचारियों में ऊर्जा भरने का काम करूँगा, यूनियन के लोगों से वार्ता करके अधिकारियों से समन्वय करके मैं इस चुनौती को स्वीकार करूँगा। सर, चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है, ऐसे में खबर है कि जो किराया है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, इसको लेकर? अभी प्रस्ताव आए थे कि डीजल के रेट बढ़े हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में आप देख रहे हैं कच्चे तेल के भाव बहुत लगातार बढ़ रहे हैं, मगर अभी फ़िलहाल रेट बढ़ाने का कोई विचार नहीं कर रखा है, मगर आने वाले समय में हमको विकल्पों की तलाश भी होगी, इसलिए जो मैं कह रहा था आपके सीएनजी और इलेक्ट्रिकल वाली बसें इनको बढ़ाने का हम काम करेंगे, अगर ये बढ़ेंगे तो स्वतः डीजल के रेट के लिए हम लोग उसमें समन्वय बिठाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल रहेगा सर, यात्री वाहनों में जीपीएस लगाने की ओर आप लोग एक कदम उठा रहे हैं, ऐसे में कई जगहों पे इसका विरोध भी हो रहा है, सरकार को क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी इन वाहनों में जीपीएस लगाने को? अभी चर्चा चली है, कोई निर्णय नहीं हुआ है, सब लोगों से बातचीत करके जो सही तरीका सही होगा जिससे हमारे गाड़ी वालों को भी फायदा होगा विभाग को भी फायदा होगा ऐसा काम करेंगे, अनावश्यक बोझ किसी पर नहीं डालेंगे। धन्यवाद सर, तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में मंत्री चंदन राम दास जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी जरूरी होगा वो हम कदम उठाएंगे, अनावश्यक जो बोझ है वो किसी पर भी नहीं डालेंगे। नरेंद्र गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। प्रदेश में पिछले 2 सालों से चारधाम यात्रा में कोरोना के कारण बहुत कम तीर्थयात्रियों ने चारधाम के दर्शन किए, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आएंगे। तो वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम में आने वाले यात्रियों का पंजीकरण होगा, जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है उस लिहाज से चारधाम में काफी श्रद्धालु आ सकते हैं और लिहाजा सभी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा यात्रा मार्गों पर शौचालय और सड़कों की स्थिति भी दुरुस्त की गई है। मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि इसका पंजीकरण होगा और उसके साथ साथ बड़ी तादाद में, क्योंकि नीचे काफ़ी गर्मी पड़ रही है, बड़ी तादाद में यात्री आएंगे और पहली बार पूरी यात्रा खोली गई है, पर उसमें भी एहतियातन बरतने के लिए और कैरिंग कैपेसिटी के मुताबिक ही लोग पहुंचें, तो इसके लिए हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन जो है इसमें कंपलसरी किया है और यात्रा के लिए सारे जो बंदोबस्त हैं जिसमें कि शौचालय हो गया और सड़कों का रखरखाव हो गया, ये सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। जहाँ भी कोई ऐसी सड़क में कमजोरी है या एवलांच आने की संभावना है वहाँ भी जेसीबी तैनात रहेंगी और सभी अपेक्षा करते हैं कि यात्रा जो है सुचारू रूप से सरल और सुरक्षित रहेगी। मंत्री, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी नगर पालिका सभागार में पर्यटन सीजन के से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की और पेयजल लाइन डालने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों का निरीक्षण भी किया। सड़कों की बदहाल हालत को देखकर कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और सभी संपर्क मार्गों को जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए। तो वहीं सेंट मैरी अस्पताल में आउटडोर्स में चलाई जा रही ओपीडी का भी उन्होंने औचक निरीक्षण किया और ओपीडी बंद होने पर नाराजगी जताई, जिसके बाद उन्होंने एसडीएम नरेश दुर्गापाल को ओपीडी में तैनात डॉक्टर के 1 दिन का वेतन काटने के सीधे निर्देश दिए। काम नहीं करेगा तो काम नहीं तो वेतन नहीं, मतलब डॉक्टर जैसे जिम्मेदार व्यक्ति, और मेरे को जानकारी दी थी परसों जो मीटिंग में था, मैंने अधिकारियों को बुलाया था, मुझसे कहा गया था कि सेंट मेरी में ओपीडी चल रही है, आज मैंने अपने एक कार्यकर्ता को वहां पर चेक करने के लिए भेजा और 1 बजे मैं खुद वहां पर पहुंचा, डॉक्टर वहां पर नहीं था,
हमने उसका एक दिन का वेतन काटने के लिए आज कह दिया है, आगे चेतावनी दी है, भविष्य में अगर ऐसी गलती की जाएगी तो उससे बड़ी सजा उसको मिल सकती है। साथ ही हमने सारे विभागीय अधिकारियों को आज यहाँ पर बुलाया था और 15 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए हमने कहा है। 15 दिन के बाद मैं रिव्यू मीटिंग लूँगा, क्योंकि टूरिस्ट सीजन यहाँ पर आने वाला है। अगर पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं होंगी, सड़कें ठीक नहीं होंगी, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं होंगी, तो हमारा टूरिस्ट क्या इंप्रेशन यहाँ पर लेकर जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।